How are you all? I hope you all are doing great. I'm Kanchan Vankoti, your EVS teacher from GPS Haldwani Lamachar. So dear students, today we are going to start second part of chapter 16, A Busy Month. Okay, as you all know that we have completed chapter number 16, first part. So today we are going to start second part. So here I'm starting this chapter. Now everybody open page number 128. Okay, so here in this chapter what Giju bhai is telling, he is telling that there is a small tree nearby. Okay, pass mein kya hai, pass mein ek chota sa tree means ped hai. Okay, it has a nest hanging from its branch. Okay, birds are so wonderfully different. So now what he is telling, he is telling that in that tree there is a nest. Okay, उस ट्री में क्या है, उस ट्री में एक नेस्ट है जो कहां से लटका हुआ है, जो ब्रांच से लटका हुआ है. ओके, बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट. जो बर्ड्स होती हैं वो क्या होती है, एक दूसरे से बिल्कुल वो क्या होती है, बहुत ही वंडरफुल तरीके से, यू कैन से वो अलग अलग होती हैं. ओके, द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री. ओके, जो क्रो है वो अपना नेस्ट कहां बनाता है, बिल्कुल ट्री की हाइट पे. ओके, the dove makes its nest among the thorns of a cactus plant or a mandi hedge. Okay, and jo dove bird hoti hai wo apna nest kahan pe banati hai, jahan pe kya hote hai, cactus ke thorns means kaante hote hai, wahan pe wo apna nest banati hai. Okay, the sparrow can be found in and around our own house. Okay, aur jo sparrow hoti hai use hum kahan, use hum apne ghar mein bhi wo hame mil sakti, use hum dekh sakte hain. Okay, इट मेक्स इट्स नेस्ट एनी वेयर. ओके, और वो अपना नेस्ट कहीं भी बना सकती है. ऑन टॉप ऑफ अ कबर्ड बिहाइंड अ मिरर ऑन अ लेज. ओके, वो अपना नेस्ट कहीं भी लाइक कबर्ड में बना सकती है. बिहाइंड अ मिरर मीन्स शीशे के पीछे बना सकती है. ओके, पिजन्स ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस. ओके, और जो पिजन्स होते हैं वो भी अपना नेस्ट इस तरह से बनाते हैं. Often they make nest in old or deserted buildings. Okay, अक्सर वो अपना नेस्ट कहाँ पे बनाते हैं, जो बिल्डिंग्स बहुत ही पुरानी हो चुकी हैं, ओके, जो खराब हो चुकी हैं, उन बिल्डिंग्स में वो अपना नेस्ट बनाते हैं. ओके, the barbit or coppersmith bird can be heard in the summer with its tuk 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 call. Okay, जो barbit और coppersmith जो birds होती हैं, उन हम समर्स में कैसे सुन सकते हैं उनकी आवाज, क्या करते हुए, टुक 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 करते हुए. ओके, इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल. ओके, और वो अपना नेस्ट कहाँ पे बनाती हैं, वो अपना नेस्ट होल पे बनाती हैं. ओके, इन अ ट्री ट्रंक. कहाँ पे, ट्री ट्रंक में. ओके, एंड अ टेलर बर्ड यूजेस इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बुश. ओके, और जो टेलर बर्ड होती है वो अपनी बीक का इस्तेमाल किस लिए करती है, वो अपनी बीक का इस्तेमाल करती है जो लीव्स होते हैं उनको स्टिच मींस उनको आपस में, दो लीव्स को आपस में स्टिच मींस उनको सिलने के लिए वो यूज करती हैं. ओके, इट लेज इट्स एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीव दैट इट हैज मेड, दिस इज इट्स नेस्ट. ओके, और वो अपना अंडा कहाँ पे देती है, ओके, फोल्ड ऑफ द लीव के फोल्ड में वो अपना एग देती है. ओके, नाउ द सन बर्ड्स, सॉरी, द सन बर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बुश. ओके, और जो सनबर्ड होती है वो अपना नेस्ट कहाँ पे बनाती है, वो अपना नेस्ट बनाती है कि जब भी कोई स्मॉल ट्री की ब्रांच क्या कर रही होती, हैंग कर रही होती, वो आप वहां पे अपना नेस्ट बनाती है. ओके, द सेम इवनिंग वी सॉ अ सनबर्ड नेस्ट. ओके, और उसी शाम हमने क्या देखा, उसी शाम हमने एक सनबर्ड का नेस्ट देखा. ओके, कैन यू गेस वॉट इट्स नेस्ट इज मेड ऑफ. क्या आप ये गेस कर सकते हो कि जो सनबर्ड थी उसका नेस्ट किस चीज से बना हुआ था. ओके, द नेस्ट हैज हेयर, ग्रास, थिन ट्विग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन वूल, बिट्स ऑफ ट्री बार्क, पीसेस ऑफ क्लोथ, रैग्स एंड इवन स्पाइडर्स कॉबवेब्स. ओके, जो उस नेस्ट में क्या क्या था, उस नेस्ट में हेयर मीन्स बाल थे, ग्रास मीन्स घास थी, ओके, थिन ट्विग्स वर देयर, ड्राई लीव्स मीन्स सूखी पत्तियां थी, कॉटन वूल थे, ओके, बिट्स ऑफ छोटे छोटे ट्री के बाग के टुकड़े थे, ओके, पीसेस ऑफ क्लोथ कुछ कपड़ों के मीन्स टुकड़े थे वहां पे. ओके,
when I looked through the binoculars, I could see a chick in the nest. Okay? और जब मैंने बायोन्यूक्लियर से वहां पे देखा तो उसमें क्या देखा, एक छोटा सा क्या था, चिक था उस नेस्ट में. ओके, इट वॉज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट. और वो कहां बैठा हुआ था, वो बैठा हुआ था नेस्ट की एक वहां पर छोटी सी क्या होगी, जो नेस्ट खुला हुआ होगा वहां पे वो बैठा हुआ था. ओके, इट वॉज वेटिंग फॉर इट्स मदर टू ब्रिंग सम फूड. और वो किसका वेट कर रहा था, वो अपनी मदर का वेट कर रहा था कि उसकी मदर आए उसके लिए वो फूड लेकर आए उसके खाने के लिए. ओके, व्हाट एल्स कैन इट डू, जस्ट ईट एंड स्लीप. ओके, इसके अलावा वो क्या कर सकता है, सिर्फ खाने और सोने के अलावा. ओके, ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी दीज डेज. ओके, आजकल क्या है, सारी की सारी बर्ड्स जो है वो बहुत बिजी है. ओके, मेकिंग अ नेस्ट एंड लेइंग द एग इज ओनली द फर्स्ट स्टेप. ओके, दैट नेस्ट मीन्स घोंसला बनाना और अंडे देना ही उनका क्या है, एक पहला स्टेप है. ओके, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क टू रेज द यंग वंस इन द नेस्ट विच हैड बीन मेड विथ सो मच एफर्ट. ओके, सो ये बहुत बड़ा एक टास्क है कि इनको छोटे जो बच्चे हैं उनको नेस्ट में बड़ा करना. ओके, और इसमें क्या होता है, उन बर्ड्स का बहुत ज्यादा एफर्ट मीन्स उनकी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है. ओके, बर्ड्स हैव मेनी एनिमीज. जो बर्ड्स होते हैं उनके बहुत सारे दुश्मन होते हैं. ओके, ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स टू, क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी क्या होते हैं, उनके एक तरह से एनिमी भी है वो. ओके, और एनिमल्स भी उनके एनिमी है. ओके, क्रोज एंड स्क्विरल्स, कैट्स एंड रैट्स, All of them wait for a chance to steal the eggs. Okay? So, जो crow है, squirrel है, okay, cats है, rats है, तो ये सब क्या wait करते हैं, ये wait करते हैं कि वो जाके उनके अंडों को क्या कर ले, वो चुरा ले. Okay? Many times they even break the nest. Okay? और कई बार क्या होता है, वो उनके nest को वो तोड़ देते हैं. Okay? To keep oneself safe from danger, to find food, make a nest, hatch the eggs and raise the chicks safely. All these are test for every bird. Okay? तो हर बर्ड के लिए किस तरह का टेस्ट होता है, वो उनके लिए होता है कि अपने बच्चों को और अपने को किससे बचा के रखना, डेंजर मीन्स खतरे से बचा के रखना. ओके, उनके लिए क्या करना, खाना ढूंढना. ओके, और घोंसला बनाना, मेक अ नेस्ट, हैच द एग एंड रेज द चिक्स सेफली. ओके, जब एग्स हैच होते हैं उसके बाद जो उसमें से चिक निकलते हैं उनको आराम से बड़ा करना. तो ये सब क्या है, ये सब एक बर्ड के लिए, उनके लिए टेस्ट मीन्स उनके लिए एग्जाम टाइप का होता है. ओके, एंड सी हाउ द बर्ड्स स्टिल सिंग विद जॉय एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली. ओके, सो व्हाट द गिजू भाई इज टेलिंग, गिजू भाई इज टेलिंग कि बर्ड्स को देखो कि वो कितने खुशी के साथ हमेशा रहती हैं और वो अपने पंख फैला के आसमान में उड़ती रहती हैं. ओके, सो हेयर आर सम क्वेश्चंस एज यू कैन सी ऑन पेज नंबर 130. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी इयर्स एगो डिड गिजू भाई राइट दिस लेटर. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, कि कितने साल पहले गिजू भाई ने ये लेटर लिखा था. सो व्हाट विल बी द आंसर, गिजू भाई रोट दिस लेटर 83 इयर्स बैक इन 1936. ओके, सो गिजू भाई ने लेटर कब लिखा था, 83 इयर्स मींस 83 इयर्स पहले, कौन से ईयर में, 1936. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट Find out how old your grandfather and grandmother were at that time. Okay? So, आपके grandfather और grandmother उस समय वो कितने एज के थे. ओके, सो यू either you can write age, okay, or you can write that my grandfather and grandmother were not born at that time. Okay? Next question is that This letter talks about many different birds. How many of these birds have you seen? Okay? इस chapters में बहुत सारी birds के बारे में discuss किया गया है. Okay? So, इतनी सारी birds में से आपने कौन सी birds देखी हैं? So, what will be the correct answer? It will be, you can write any of the birds. Okay? But here I am telling you some of the birds' name. You can write dove,
crow, pigeon, sparrow, okay? And weaver bird, anything you can write, it is up to you. Next question is that, how many other birds have you seen, which ones, okay? कि आपने कितनी सारी birds देखी हैं और कौन कौन सी. So you can write, I have seen several other birds like sparrow, parrot, mynna, owl, eagle and peacock, okay? Last question is that, have you seen a bird's nest? क्या आपने कभी bird के nest को देखा है? Where did you see it? और आपने ये nest कहाँ देखा है? Okay? So what will be the correct answer? Yes, I have seen a bird's nest. It was made on the branch of a tree in the park. Okay? So, in the bird's name, you can write by yourself, okay, any of the bird's name. Okay? Now, everybody turn page number 132. Okay? So, here I'm starting this one. Birds use the nest only to lay their eggs. Okay? जो birds होती हैं, वो अपना nest किस लिए use करती हैं? अंडे देने के लिए. Okay? After the eggs have hatched and the chicks have grown, they leave the nest. Okay? तो जैसे ही क्या होता है? Eggs को hatch करके और जो chicks होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो अपना nest छोड़ देते हैं. Okay? Imagine how it would be if we also had to leave our homes as soon as we learn how to walk and talk. Okay? अब आप ये imagine करो कि जैसे ही हम बोलना या चलना शुरू कर देते हैं और उस time अगर हमें अपना घर छोड़ना पड़े तो हमारे साथ क्या होगा, हमको कैसा लगेगा. Okay? After they leave their nest, different kind of birds live at different places. Okay? अपना घर छोड़ने के बाद जो different तरह की जो birds होती हैं, वो different places में रहती हैं. Okay? Some on trees, कुछ trees में रहती हैं. Some near or on water. Okay? कुछ water के पास या water में रहती हैं. Okay? And some on land. और कुछ birds कहाँ रहती हैं? वो land पे रहती हैं. Okay? Other animals also have different places where they live. Okay? और भी क्या है वहाँ पे? Animals हैं जहाँ पे वो लोग रहते हैं. On land, under the ground, in water or trees. Okay? Land के ऊपर, okay? Water में, ground में और trees में. Okay? So, as we earlier we have discussed that different birds have different kind of beaks also. उनकी जो चोंच होती वो भी अलग होती है और उनके जो feet हैं वो भी अलग होते हैं. Okay? So, उनकी जो feet होते हैं वो किस लिए होते हैं? To swim in water. Water में swim करने के लिए. To hold the tree branches. Branches जो होती tree की उसको hold करने के लिए, means उसको पकड़ने के लिए. Okay? To catch the prey. Okay? Prey means शिकार. जो उनका शिकार होता है उनको पकड़ने के लिए भी उनके जो feet होते हैं वो उनके लिए बहुत ही helpful होते हैं. Okay? To climb the tree. और tree में चढ़ने के लिए. To walk on the land. और land में चलने के लिए. Is it clear to everybody? Okay? That animals have different types of teeth. Okay? और आपने क्या देखा होगा कि जो अलग अलग animals होते हैं उनके अलग अलग तरह के teeth होते हैं. Okay? So cows have short front teeth for snipping grass. The teeth on the sides are large and flat for chewing the grass. Okay? जो cows होती हैं उनके teeth कैसे होते हैं? उनके teeth short होते हैं. Okay? Grass खाने के लिए. Okay? और जो साइड के teeth होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बड़े होते हैं और flat होते हैं. Okay? Next is cats have sharp teeth for tearing and cutting meat. Okay? जो कैट्स के टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? वो शार्प होते हैं क्या करने के लिए? टियर और मीट को, जो मीट होता है उसको फाड़ने के लिए और काटने के लिए. ओके? स्नेक्स हैव शार्प कर्व्ड टीथ बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे. ओके? जो स्नेक्स होते हैं उनके टीथ कैसे होते हैं? वो कर्व्ड होते हैं बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे. ओके? जो उनका शिकार होता है उसको वो चबाते नहीं है. Snakes always swallow their food whole. Okay? जो snakes होते हैं वो क्या करते हैं? जो भी उनका शिकार होता है या उनका food होता है उसको सीधे वो निगल जाते हैं. Okay? Squirrels front teeth keep growing throughout their life. Okay? जो squirrel के जो front means सामने के जो teeth होते हैं वो lifetime तक क्या होते हैं? वो बढ़ते रहते हैं. Okay? They have to keep gnawing on things to
keep their teeth from becoming too long. Okay? So, उनको क्या करना पड़ता है, उनको हमेशा जो चीजें होती है उनके अपने जो टीथ होते हैं उसको वो नॉइंग करते रहना पड़ता है. किस चीज से बचाने के लिए, कि वो वो जो उनके टीथ है वो ज्यादा लंबे ना हो सके. Here we are going to do some question answer which is based on this chapter. Okay? So the first question is that list some materials that birds use for making their nest. Okay? हमें उन कुछ materials की list बनानी है जो birds किस चीज के लिए use करती हैं अपना nest बनाने के लिए. Okay? So the what will be the answer? The materials that birds use for making their nest are as follows. Okay? So the first one is grass. Second one is soft twigs. Next is dry leaves. Then roots. Then bits of tree bark. Okay? Wool, hair and cotton wool. Is it clear to everybody? Okay. Now next question is that what are the threats to eggs of birds? Okay? Jo birds ke eggs hote hain, unhe kis tarah ka means dar hai? Okay? So what will be the answer? There are many threats to eggs of birds. Including humans and other animals. Okay? So, जो birds के eggs होते हैं उन्हें अलग अलग तरह का क्या होता है, डर होता है. लाइक ह्यूमन बींग से उन्हें बचाना होता है, जो अदर एनिमल्स से उनसे बचाना होता है. ओके? क्रोस, स्क्विरल्स, रैट्स एंड कैट्स, ऑल ऑफ देम वेट फॉर अ चांस टू स्टील द एग्स. ओके? सो लाइक क्रोस, स्क्विरल्स, रैट्स, कैट्स, ये सब किस तरह के वेट में रहते हैं ताकि वो जो है उनका एग्स को वो चुरा सके. Okay, is it clear? Now next question for you is that according to Giju Bhai, what are the tests of a bird? Okay, Giju Bhai ke according birds ke liye kaun kaun se test hote hain, means unke liye kis kis tarah ke exams unko face karne padte hain. Okay, according to Giju Bhai, following are the tests of birds. First one is to keep oneself free from danger. Okay, apne aap ko danger means khatre se bacha ke rakhna. Okay. Second is that to find food. Okay? और क्या ढूंढना, खाना ढूंढना. Okay? Next one is that to make nest. Okay? क्या बनाना, घोंसला बनाना. Okay? And the last one is that raise the chicks safely. Is it clear to everybody? Till now it is clear to everyone. That's all for today. Thank you and have a nice day ahead.